एक पति पत्नी थे। पत्नी बहुत आलसी थी, बहुत ज्यादा आलसी थी, और उसको ज्यादातर फोन चलाना पसंद था और वीडियोस बनाना अच्छा लगता था। पति बोला कि भोजन दो, तो जल्दी जल्दी में फोन चलाते हुए भोजन बनाना और रोज रोज रोटी जलता था। पति जब खाने बैठे तो बहुत ज्यादा कड़क जली हुई रोटी, पति कहता है थोड़ा सा घी लगा देते तो थोड़ा नरम होता, फिर खा लेता। दो चार दिन हुआ ऐसा ही चलता रहा, जली हुई रोटी खाने को मिलता था। दिन भर काम करके आए, रात में घर में जली रोटी। पति बोला थोड़ा घी लगा दो, पत्नी बोले ठीक है अभी लाई। अंदर से आई, बेलन उठाया, जैसे मरा माथे पर चोट लगा दिया, घी नहीं चोट। फिर उसके बाद में पति बोला यहाँ तो घी मांगना भी पाप है, चला गया बेचारा, माथा सूज गया, चोट लग गया। अब दोस्त के घर में जाता है, दोस्त ने कहा भैया क्या हो गया? कुछ नहीं बस। अब कैसे बोले कि पत्नी ने मारा, बोल भी नहीं सकते। बोलता है कि बस आ ही रहा था, चलते चलते पत्थर में थोड़ा सा पैर अटक गया और मैं गिर गया, इसलिए चोट लगा। दोस्त कहता अच्छा तो घी नहीं लगाया? वो मन ही मन सोचता घी का ही तो चक्कर है। अब वो कहता उसकी जो पत्नी थी, दोस्त की पत्नी, उसने सुंदर भोजन बना करके लाई, उसने खाया, बड़ा स्वादिष्ट लगा। दोस्त से पूछता है, मित्र से पूछता है भैया तुम लोग कैसे रहते हो, कैसे झगड़ा नहीं होते क्या, भोजन अच्छा लग रहा है? वो कहता हमारे घर में झगड़े नहीं होते, क्यों? क्योंकि मेरे पास में एक उपाय उसको करता हूँ। कौन सा उपाय? मुझे भी बता दो, मैं भी करने लगू कल से। तो कहता है कि झगड़े इसलिए नहीं होते, मेरी पत्नी जैसा भी बना दे मैं तारीफ करता हूँ, इसलिए आपको भी झगड़ा नहीं चाहिए तो तारीफ करो। ये टिप्स आपके लिए भी है, भोजन की तारीफ करो, कभी पत्नी फिर परेशान नहीं करेंगे, प्यार से बोलो। तो दोस्त बोला कि तारीफ करो, वो बोलता ठीक है कल से करूंगा। घर गया तो उसने सोचा था कि घर जाऊंगा खूब तारीफ करूंगा, खूब तारीफ करूंगा। पत्नी भोजन परोस के लाई बाहर, खाने लगा। अब कहता है आह कितना सुंदर भोजन, ये देवी है रोटी नहीं चांद है चांद, ये आपके हाथ से दिया पानी नहीं ये तो अमृत है। अब इतना तारीफ इतना तारीफ इतना तारीफ। पति सोचता है आज तो मुझे अब तारीफ करूंगा, रोज रोज ऐसा ही भोजन मिलेगा, इतना स्वादिष्ट, सच में स्वादिष्ट था। अब खूब तारीफ किया, खूब तारीफ किया, अब लगा कि पत्नी खुश हो गई होगी। फिर अंदर से जैसे पत्नी आई, बेलन निकाला, जोर से मारी। पति बोला अब क्या हो गया? पत्नी कहते रोज मैं भोजन बनाती तब तो कोई तारीफ नहीं, आज क्या होटल से मंगाया तुम तो इतना तारीफ कर रहे हो, आज क्या होटल से मंगा दिया तुम तो इतना तारीफ कर रहे हो। देखो कभी कभी झगड़े भी होते हैं, लेकिन एक अच्छी गृहलक्ष्मी को चाहिए। आप फोन चलाएं, आज के जमाने में मोबाइल के बिन कुछ नहीं होता। मोबाइल का इस्तेमाल करो लेकिन उसको सदुपयोग करिए। मोबाइल के कारण कितने बच्चे सुधर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं। अगर कुछ भी सवाल हो, हमें आ नहीं रहा हो, पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रही हो, तो इंटरनेट में हर एक चीज है, पढ़ सकते हैं। मोबाइल से ही गांव में रहने वाले बच्चे भी बहुत बड़े ऑफिसर बन रहे हैं, लेकिन वही मोबाइल कुछ लोग गलत इस्तेमाल करने से अपने जीवन को बर्बाद भी कर रहे हैं, इसलिए सदुपयोग करिए। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।